प्रभु मसीह तो मृत्यु पर विजय पाकर कलीसिया में हमेशा विराजमान है और उसे अपने नवजीवन से संबंध कर यह कृपा दे कि हम मेरे तेरे पुनरुत्थान और विलित जीवन के सहभागी होवे। तेरी शांति और समाधान हमारे समूह परिवार और सारी मनोजाति में निरंतर निवास करे। ये सबके प्रभु सदा और सर्वदा आमीन। मेरे ईश्वर मेरे राजा मैं तेरी स्तुति करूंगा। हे प्रभु मसीह तू मृतकों से सबसे पहले पुनरुत्थित होकर हमारे लिए पलौटा बन गया। तेरा पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन और महत्व प्रदान करता है। तेरी प्रियतम कलीसिया अलंकृत वधु के समान और संतों के साथ उल्लसित माता के समान तेरे पुनरुत्थान में आनंद मनाती है। हमें इस योग्य बना दे कि हम तेरे मरण और पुनरुत्थान में आनंद मनाए और उनकी स्मृति के दिव्य रहस्यों में भक्तिभाव से सहभागी बने। शक्तिमान
आशा में प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सब को पुनर्जीवित कर देगा। यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर ले। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टि का कर्ता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का इकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं, बस ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुआरी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रसूत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर पर सुगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। अपने मृत प्रादि श्रेष्ठ महाधर्माधीक्षों तथा धर्माधीक्षों याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज में अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु जी आशीर्वाद। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करें। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारें। हे हमारे ईश्वर, तेरे प्रभु कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर से बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम से विश्वास तेरे दानों के साथ लगने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम लोगों को शांति। और आपको भी भाइयों और बहनों, मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। धर्माध्यक्ष प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहें और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहें।
साथ रहे सभी जीवों के गुजरा के योगी है, सभी सृष्टियों के अंदर प्रशंसा के योगी है, दुनिया अपने निवास है जगत और उसके निवासियों का रक्षा रक्षणवानों पर अन्य उपकार किया है। हे प्रभुवासी तथा करुण दैत्य आराधना करते हैं, अग्नि अनुमान के सेनाए तेरे भवन नाम की महिमा गाते हैं, पवित्र करोबिम तथा दिव्य स्थान से मिलकर तेरे प्रभुति की उपासना करते हैं। वे उंजेश्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और दूसरे से पुकार पुकार कर गाते हैं। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंजित है, प्रभु अवनी अंबर तेरी हो, प्रभु जय जयकार होसाना होसाना। स्वर्गवासियों के साथ हम तेरे धन्यवाद करते हैं, जो शब्द स्व ईश्वर है और तेरा मुझ है उसकी हम वासना करते हैं, वो तेरे सदृश है, तेरे दीप्ति है और तेरा तब्द का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण उसने अपने को दीनहीन बना लिया और विवेक बुद्धि और अमरदास संबंध आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में एक रहस्य में प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं।
एक नवीन विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और उसमें से तुम सब पियो। हम भी तेरे दुर्बल दीन कीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम मृतकों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपादानों संगम के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृष्ण और आराधना समर्पित करते हैं। आप सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगद्गुरु समस्त कलीसिया के परमांगेश रोम के संभूज पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता प्रमुख मेजर अर्च बिशप राफी दडिल के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एफ्रेम पूर्व धर्माध्यक्ष विजयानंद अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए, पवित्रो सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, याजको समर्पितों एवं लोकधार्मिक प्रेरितों के लिए, शासक और अधिकारियों के लिए ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए, तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित योगी और पीड़ित सबों के लिए, तेरे नाम पर हम सभी दाले कर सदा बंधुओं के लिए, तेरे कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए, और मेरे दिव्य ज्योति के लिए योगी तुम यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु शिशान साष्टव वेदी पर तेरे मसीह के शरीर रक्त को चढ़ा रहे हैं, इस पिंड स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अनंत कृपा शिशु माधु कुमारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पद विधान कृपा स्मरण रखे, हमें जीवन पर अपने सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है। आओ तूने अपने प्रिय पुत्र ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी समाचार द्वारा नबियों प्रेरितों शहीदों संतों धर्माचार्य धर्माध्यक्षों याचकों व्याचकों की तथा वंश संस्कार के जीवनदाय जीवनदाय चिन्ह संकेत हुई पात्र सर्वदलिया की सब संतानों की शुद्धता आओ बोधता कुमार में सिखलाया। हे प्रभी तेरे दुर्बल अभिनम्र सेव अब तेरे पद नाम पर एकत्र होकर तेरे सान्न उपस्थित है, परम्परा से प्राप्त उसके ज्ञान के अनुसार हम उसके दुख व मृत्यु दफन अपने स्थान के महान गंभीर बौद्ध जीवनदाय आज विदेशों का स्मरणोत्सव आनंद मनाते हैं। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मौन रहकर भक्ति भाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हमें के में तेरे के साथ ना जीवन मिल जाए, इस महान दान के प्रति हम तेरा निरंतर सदगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल हम आनंद और आशा के साथ
तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। तेरे शाश्वत भाव जीवनदाय नाम को वंदना स्तुति और आराधना अर्पित करते हैं। आज तुझे धन्यवाद देते हैं आप सदा और सर्वदा। आमीन। हे ईश्वर दयाल के मुझ पर दया कर, तू दया सागर है मेरा प्राण क्षमा कर। हे प्रभु तेरे आशीर्वाद प्राप्त हो तेरी उद्धार कृपा हमें महिमा में जीवन दाय आदि ने स्वयं की सुविधा देती है। यद्यपि हम योग्य है, यद्यपि सचमुच हम योग्य है, हे ईसा मसीह तेरे नाम की जय हो। हे प्रभु तेरी सब आराधना हो। हे जीवदा जीवदा रोटी सुखदाई है और समुद्र जीवन प्रदान करते हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। तेरी जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन दायक रोटी प्रेम से मेरे पास जो आते और मुझको ग्रहण ही करते वे सब मुझ में परमेश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो आप सदा और सर्वदा। आमीन। हम सब श्रद्धा भक्ति से अपने मुक्तिदाता के अमूल्य शरीर रक्त के रहस्यों के समीप जाए पश्चात आपसे प्राप्त आशा के साथ अपने अपराधों से मुंह मोड़कर और अपने पापों पर रोकर हम अपने प्रभु ईश्वर से कृपा एवं क्षमा की याचना करें और अपने भाई बहनों के अपराधों को क्षमा करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने अंतकरण को मन मुठाव और कलंक से शुद्ध करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम अपने आत्माओं को क्रोध और बैर से मुक्त करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हम परम प्रसाद ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से पवित्र हो जाएं। सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। आपस में एकता मेल मिलाप और शांति रखते हुए हम इन रहस्यों को ग्रहण करें। हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। हे प्रभु यह रहस्य हमारे शरीरों के पुनरुत्थान का तथा आत्माओं की मुक्ति का कारण बने और अनंत जीवन का कारण बने। आमीन। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर हमें कि हम निर्दोषों को प्रसन्न मन से निरंतर तेरे सानिध्य में रह सके और तेरे अनुग्रह से प्राप्त आशा के साथ हम समर्पित चुपकारे हर्ष प्रकार कहे।
हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध दा पाप हमें क्षमा कर, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज तेरा है, शक्ति तेरी है और महिमा तेरी है। आमीन। हे शक्तिमान ईश्वर हमारे दयाल पिता, हम तेरे कृपा की सेवना करते हैं, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु दुष्ट साथियों से बचा, क्योंकि स्वर्ग तेरा पृथ्वी राज तेरा है, शक्ति तेरी है, आप प्रभु तेरा है, आप सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। हे प्रभु परम प्रसाद लोगों के लिए है, एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा सर्वदा जय हो। आमीन। जीवंत ईश्वर का स्तुति गान करें। हे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई, शैतान को पराजित किया और सारी सृष्टियों को नवजीवन दिया, तूने हमारे परिपोषण के लिए अपना शरीर रक्त भोजन के रूप में दिया, तेरी करुणा के योग्य कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी जीव अशक्त है। सदा सर्वदा में समस्त लोग आइए प्रभु के मरण और पुनरुत्थान के इन महान रहस्यों को प्रत्याशा पूर्वक ग्रहण करें।